हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनी क्लासेस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। आज हम फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे मेटाफर। इससे पहले हम सिमली को डिस्कस कर चुके हैं। इन सिमली देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग एज एंड लाइक। सिमली में हमने पढ़ा कि कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट चीजों में और उसमें यूज होता है एज और लाइक। बट इन मेटाफर देयर इज अ कंपैरिजन दैट शोज हाउ टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक समटाइम्स आर सिमिलर इन वन इम्पॉर्टेंट वे। मेटाफर में हम कंपैरिजन करते हैं दो डिफरेंट चीजों का जो कि डिफरेंट है एक दूसरे से, तो वो कैसे एक वे में सिमिलर है। मेटाफर्स आर यूज टू डिस्क्राइब समथिंग एंड मेक अ राइटिंग एंड स्पीच मोर इंटरेस्टिंग। जो मेटाफर होते हैं वो किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं और हमारी राइटिंग को या हमारे स्पीच को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, एंटरटेनिंग बनाते हैं। ओके, एंड मेटाफर में क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। सिमली में हमने देखा कंपैरिजन है एज और लाइक यूज करके, बट मेटाफर में क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। इसमें एज और लाइक का यूज नहीं होता है। द डिफरेंस बिटवीन सिमली एंड मेटाफर्स आर सिमलीज यूज द वर्ड एज और लाइक। सिमली में यूज होता है एज और लाइक टू कंपेयर टू बेसिकली अनलाइक ऑब्जेक्ट। जो बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कंपेरिजन होता है। वाइल मेटाफर स्टेट डायरेक्टली दैट समथिंग इज समथिंग एज। लेकिन जो मेटाफर है उसमें डायरेक्ट कंपेरिजन होता है, उसमें बताया जाता है कि जो कोई चीज है वो कुछ अलग है। फॉर एग्जाम्पल द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल डेजर्ट का शिप कहलाता है। यहाँ पे हमने एज और लाइक नहीं यूज किया है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट कंपेरिजन किया है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कैमल इज लाइक अ शिप, ऐसे हमने नहीं बोला है। वी डायरेक्टली मेड कैमल इंटू अ शिप, हमने डायरेक्टली कैमल को क्या बोल दिया है, शिप ऑफ द डेजर्ट। एंड एक्सप्रेस्ड हाउ अ कैमल क्रॉसेज द डेजर्ट एज अ शिप क्रॉसेज द ओशियन। और हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कैमल कैसे डेजर्ट को क्रॉस करता है जैसे कि एक शिप क्रॉस करता है ओशियन को। तो ये एग्जांपल है मेटाफर का। सम अदर एग्जांपल वी कैन गिव, वी कैन से द क्लास इज अ जू। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्लास एक जू है। इट मींस क्लास को हमने जू के साथ कंपेयर किया है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया है। हमने उसे नहीं ऐसे नहीं बोला है द क्लास इज लाइक अ जू, बट वी हैव सेड द क्लास इज अ जू। हम कहना चाहते हैं कि क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है और इट मींस बहुत ज्यादा क्लास में नॉइज है, तो उसको हमने कंपेयर कर दिया जू के साथ। हर आईज आर कोल, हमने यहाँ पे उसके आईज को कोल के साथ कंपेयर किया है। जो उसकी आईज है वो कोल है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया है। तो ये एग्जांपल है मेटाफर का।